गाइस बेसिकली वी ऑल आर कॉल्ड एज ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल कॉलेज जाएंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ स्टूडेंट, एंड व्हेन यू रिटर्न टू होम यू विल बी कॉल्ड एज सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई गो टू कॉलेज आई विल बी कॉल्ड एज प्रोफेसर। लेकिन ये सारे नाम हैं हमारे, लेकिन बेसिकली जो हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है दैट इज़ द ह्यूमन बींग, बिकॉज वी बॉर्न इन टू द ह्यूमन स्पीशी। अगर इस पूरी थ्योरी को मैं इस आज के इस टॉपिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट के ऊपर फिट करूं, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कई नाम से फार्मा के कोर्स करिकुलम में आ चुका है, लेकिन इसका जो बेसिक नाम है, जो बेसिक आइडेंटिटी है, वो है फार्मास्यूटिक्स। तो इस वीडियो के माध्यम से इंडस्ट्रियल फार्मेसी के संबंध के परिचय के रूप में मैं तीन चीज़ों के रूप में इसको कवर करूंगा। पहली ये कि व्हाट एग्जैक्टली इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नंबर दो, इसको आप अपने कोर्स करिकुलम में क्यों पढ़ रहे हैं। और नंबर तीन, इसको पढ़ने के बाद, इसको परस्यू करने के बाद क्या आउटकम और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी, तो जैसा नाम वैसा काम, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडस्ट्री। लेकिन हाउ, उसको आप ऐसे समझिए कि पूरी फार्मेसी जो है वो पूरी तरह से डोजेज फॉर्म के ओर चारों ओर रिवॉल्व करती है। अब डोजेज फॉर्म यू आर फैमिलियर, दैट इज टैबलेट, कैप्सूल, सीरप, सस्पेंशन, इमल्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे डोजेज फॉर्म के लिए ही पूरे बी फार्मेसी के कोर्स करिकुलम को ग्राफ्ट किया गया है। कोई भी दवा आपने खाई, उसके प्रति बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, थेरापेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। उस पर्टिकुलर दवा की, उसमें यूज़ होने वाले कंटेंट की केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के ऊपर हम अच्छी तरह से बनी कि नहीं बनी टेस्ट लगाएं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और उसके बाद इन दवा की मार्केटिंग, सेलिंग, ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। और अगर फिर हर्ब्स की बात करें, हर्बल प्लांट्स जो कि आयुर्वेदा की श्रेणी में आते हैं, वो उनके औषधीय घटक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करने के लिए भी पेशेंट तक डोजेज फॉर्म के रूप में ही पहुंचाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो हर्बल प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट जो मार्केट में हैं वो भी डोजेज फॉर्म के रूप में ही हैं। तो वी आर पर्टिकुलरली एट दिस टाइम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलोपैथिक मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द डोजेज फॉर्म। तो ये डोजेज फॉर्म के चारों तरफ ही पूरी कहानी रिवॉल्व करती है, और इस डोजेज फॉर्म को आप सीखते हैं सबसे पहले स्मॉल स्केल पर लेबॉरेटरी में बनाना, और फिर लार्ज स्केल पर बनाते हैं इंडस्ट्री में, जो कि बनने के बाद फाइनली प्रोड्यूस होने के बाद मार्केट में आ जाती है। तो सिंपली वॉट एवर द एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल्स एंड इंट्रोडक्शन यू हैव लर्न इन दिस सब्जेक्ट, यू विल गोइंग टू अप्लाई इन साइड द इंडस्ट्री, दैट इज इंडस्ट्रियल फार्मेसी। नंबर दो, इसको आप बी फार्मेसी के कोर्स करिकुलम में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर वही है जो मैंने अब भी कहा, वो ये कि सारी जो थ्योरी है, जो सारा जो प्रोसेस है, वो डोजेज फॉर्म के चारों तरफ ही रिवॉल्व करता है। मींस आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, लेकिन आपका एम होगा अबाउट लर्निंग ऑफ प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिंस, बिकॉज यू हैव टू बिकम अ कंप्लीट फार्मासिस्ट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस कोर्स। नंबर तीन, इस विषय को पढ़ने के बाद आपको क्या आउटकम मिलेगा, क्या बेनिफिट आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं। सिंपल है, डोजेज फॉर्म को समझने के लिए, उनसे रूबरू मुखातिब होने के लिए सबसे अच्छा चांस आपको इस सब्जेक्ट के माध्यम से मिलता है। पॉपुलर से लेकर नॉन पॉपुलर तक डोजेज फॉर्म, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टैबलेट टू पैरेंटल्स क्या है, उसके पीछे के टेक्निकल आस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या साइंटिफिक थ्योरीज है, क्या लॉजिक्स हैं, क्या प्रोसेस कौन से हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें ही पढ़ने को मौका मिलेगी, क्योंकि इसके बाद आप सीधे एडवांस लेवल में चले जाएंगे और बेसिकली डोजेज फॉर्म को कवर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आप उसे अच्छी तरह से अगर पकड़ के बेसिकली अच्छे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, परस्यू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रॉपर इन द प्रॉपर एंड स्मार्ट मैनर एक अच्छे फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से परस्यू करना है, एंड वी विल कवर एवरीथिंग पॉइंट वाइज। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं, वी विल डिस्कस एंड सॉर्ट आउट एवरीथिंग आउट देयर। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।
बाय।